दोस्तों सुप्रभात। आपको मालूम ही होगा कि सारे देश भर में प्रगति का काम बहुत तेज़ी से है और इलेक्ट्रिफिकेशन इस मामले में सबसे ज़्यादा है। और भारतीय रेल का ये कहना है कि 2023 तक पूरे भारत के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसी के संदर्भ में जब सब जगह इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट हो चुका है तो बीकानेर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अभी तक बीकानेर जैसे में जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं इस मामले में और यहाँ पर अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। इन इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होने के कारण जितने भी लोको थे जो स्पेयर हुए हैं वो चाहे WDM-3A के हों या WDP-4D के हों सारे के सारे बीकानेर डिवीज़न में अभी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंजन में लोको भी यहाँ आ रहे हैं। आज ही तारो अंडाल डिवीज़न का शेड का आज एक ट्विन लोको आए हुए हैं। अंडाल जो कि वर्धमान आसनसोल मेन लाइन पर स्थित है, यहाँ पर अंडाल एक रेलवे शेड है जो अपने आप में बहुत ही शानदार लोकोमोटिव के पास है। अंडाल लोकोमोटिव शेड के पास WDS-6 है, WDM-2 है, WDM-3 है, WDG-3 है, WDG-4 एंड WDG-4D लोकोमोटिव सभी प्रकार के लोकोमोटिव्स के पास हैं और ये सारे के सारे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए हुए हैं और अंडाल को सौंपेंगे। अंडाल यार्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ ईस्टर्न रेलवे का जो लार्जेस्ट इसका यार्ड है। यहाँ पे कोल वगैरह का काफ़ी काम होता है, थर्मल पावर प्लांट में और फरक का वगैरह में यहाँ पे काफ़ी काम होता है। अंडाल है वन ऑफ द बेस्ट डीजल लोकोमोटिव शेड इन इंडिया है और ये शेड ब्यूटीफुल लिवरीज के पास बहुत ज़्यादा है। इसमें 75 लोकोमोटिव के पास शानदार लिवरी वाले हैं। लोकोमोटिव जो कि बेस्ड हैं WDM-2S, WDG-3A, WDM-3A, WDM-3C एंड WDS-4 और WDS-6 एस फॉर सेंट्रिंग इंजन के सेंटर के लिए। और इनमें मार्शलिंग यार्ड भी इनका बहुत बड़ा है, प्रोबेबली जो बिगेस्ट सच यार्ड इन एशिया में भी मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। तो ये अंडाल के आज बहुत खूबसूरत लोग आए हुए हैं और जो आज 12260 बीकानेर से आलदा को लेके जाने वाले हैं और इसकी चुकिंग हॉन्किंग देखिए और कुछ दिनों के मेहमान हैं। इसके बाद ये सब के सब स्क्रैप हो जाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और लगातार देखते रहिए नई नई लिवरी भारतीय रेलवे के इतिहास का एक बहुत पारंपरिक टीम थे जो अब कालातीत होने वाले हैं, उनको देखने के साथ बने रहिए। आखिर ये दोनों अब उनके ट्विन सेल्को हैं WDM-3A के और दोनों ही बीकानेर में काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं और मुफ्त भी शेंटिंग का काम भी देखा गया है। ये अभी काफ़ी देर से इंटरेस्ट पैदा कर रहे थे अंडाल के लोगों को देखने के लिए, पर इत्तेफाक से भगवान ने हमारी बात सुनी और शायद ये चल जा रहे हैं अपने मिशन पर। और अब हमारा विज़न भी एकदम क्लियर हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा 12260 का शानदार डिपार्चर विद लोकोमोटिव ट्विन लोकोमोटिव ऑफ UDL अंडाल डिवीजन के। दोनों लोकोमोटिव अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हैं और बीकानेर में बहुत सालों बाद आए, काफ़ी सालों बाद आए। तो देखिए खूबसूरती, चुगिंग, स्मोकिंग इनका सभी का लीजिए आनंद मेरे साथ डिजिटली। थैंक यू। चूँकि बीकानेर में सिंगल लाइन है इसलिए ये जो ट्रेन आ रही है 14708 दादर से चलकर बीकानेर होने वाली रणकपुर एक्सप्रेस, ये दादर से 12:35 पे चली थी और 12:45 पे यहाँ पे बीकानेर आती है। एक होने मुझे मगर आती है बिफोर आ रही, काफ़ी बिफोर आ चुकी बीकानेर। ये सारे ICF कोचेज के अंदर और इसके तुरंत बाद ये दोनों गाड़ियाँ चलने को तैयार है, जिसका कि हम दादर के बाद हम तुरंत इसको दिखाते हैं 12260।
शहर शारदा में बहुत ही रेयर विजिट करने वाला अंडाल का प्रिंस आए हैं, तो बहुत रेयर विजिटिंग है प्रिंस आए को।